जी स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको शारदीय नवरात्रों से संबंधित जानकारी दूंगा। शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रहे हैं, अष्टमी कब की रहेगी, नवमी कब की रहेगी, किस तरह हमें माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, साथ ही कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और कलश स्थापना किस समय हमें करनी है, कौन कौन सी जो राशियाँ हैं वह विशेष ही भाग्यशाली रह सकती हैं, जिनका योग बहुत ही अच्छा है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। साल में हमारे दो बड़े नवरात्रि होते हैं, एक होते हैं चैत्र नवरात्रि, दूसरे होते हैं शारदीय नवरात्रि, और दो गुप्त नवरात्रि होते हैं। तो चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। वैसे सभी नवरात्रि गुप्त नवरात्रि उनका भी विशेष महत्व होता है, लेकिन इनका महत्व ये प्रत्यक्ष नवरात्रि होते हैं तो इनका और ज़्यादा महत्व होता है। नवरात्रों में माता के नौ रूपों की पूजा की जाती है। प्रथम शैलपुत्री चा द्वितीय ब्रह्मचारिणी, यानी पहला जो नवरात्रा होता है वह शैलपुत्री माता का होता है। नवरात्रों में हम माता के नौ रूपों की पूजा करते हैं, साथ ही हम माता से आराधना करते हैं कि हे मातेश्वरी आप हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। नवरात्रों में जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो विशेष रूप से तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला देखा जाता है कि जब हम कलश की स्थापना कर रहे हैं उस समय अमावस्या लगी हुई ना हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि नवरात्रि प्रारंभ होते हैं तो 10 बजे तक 11 बजे तक अमावस्या होती है, उसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होती है, तो प्रतिपदा तिथि में ही कलश की स्थापना की जाती है, घट स्थापना की जाती है और माता की पूजा की जाती है। दूसरा होता है भद्रा, कि भद्रा ना लगी हुई हो, भद्रा समय को छोड़ करके उससे आगे पीछे हम माता दुर्गा की आराधना करते हैं। तीसरा होता है राहुकाल, तो राहुकाल का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इन तीन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। देखो सबसे पहला है कि 7 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, लेकिन 7 अक्टूबर को अमावस्या लगी हुई नहीं है। अमावस्या 6 तारीख को ही शाम को 4:35 पर समाप्त हो जाएगी और प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, इसलिए आप सुबह से ही कलश स्थापना कर सकते हैं। दूसरा है भद्राकाल, तो इस दिन भद्रा भी नहीं है, भद्रा का भी कोई प्रभाव इस दिन नहीं रहेगा, तो इसलिए आप घट स्थापना सुबह से ही कर सकते हैं। 7 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ होंगे, प्रथम नवरात्रा 7 तारीख का रहेगा, लेकिन इस बार एक नवरात्रा कम हो रहा है, यानी चतुर्थ जो नवरात्रा है वह कम हो रहा, तिथि आगे पीछे हो रही है। तो मैं पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ कौन सा नवरात्रा कब का है, फिर राशियों की जानकारी दूंगा कौन सी राशियों के पुत्र धन प्राप्ति के योग हैं। 7 तारीख का पहला नवरात्रा है, यह पहला नवरात्रा दोपहर के 1:47 तक रहेगा, उसके बाद में दूसरा नवरात्रा प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा नवरात्रा 8 तारीख को सुबह के 10:49 तक रहेगा, उसके बाद में तीसरा नवरात्रा प्रारंभ हो जाएगा, और तीसरा नवरात्रा 9 तारीख को शनिवार को सुबह 7:49 पर ही समाप्त हो जाएगा और चतुर्थ नवरात्रा प्रारंभ हो जाएगा। चौथा नवरात्रा खे हो गया है और फिर उसके बाद में 5वां नवरात्रा रहेगा 10 तारीख का, यानी चतुर्थ जो नवरात्रा है वो आगे पीछे तिथि होकर के नवरात्रा खे हो गया है। 13 तारीख की अष्टमी रहेगी और 14 तारीख की नवमी रहेगी। अष्टमी तिथि शाम को 8 बजे तक रहेगी और नवमी तिथि शाम को 6 बजे तक रहेगी। 13 तारीख को शाम को 8 बजे तक अष्टमी तिथि रहेगी और 14 तारीख को 6 बजे तक नवमी तिथि रहेगी। तो 13 तारीख को अष्टमी मनानी है और 14 तारीख की महानवमी रहेगी। 15 तारीख का विजयदशमी रहेगी, दशहरा रहेगा। तो आपको विशेष रूप से इन ही दिनों में अष्टमी और नवमी का आपको पूजन करना है। नौ राशियों का योग बहुत ही अच्छा है, नौ राशियां विशेष ही भाग्यशाली और लकी रहने वाली हैं। सबसे पहले मेष राशि, मेष राशि का योग बहुत ही अच्छा और लकी है। मेष राशि वालों को हर प्रकार का लाभ मिलेगा, संतान धन प्राप्ति होगी, साथ ही नए व्यापार भी आपके शुरू हो सकते हैं,
या नया कार्य भी आपका शुरू हो सकता है। दूसरी जो राशि है वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि का योग भी बहुत ही अच्छा है। हालांकि आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि लग्न भाव में यानी आपके तन भाव में लग्न भाव में राहु का गोचर है जो आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकता है। तो किसी की बातों में आपको नहीं जाना है और विशेष सावधानी पूर्वक काम करना है। आपके प्रत्येक कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। संतान धन प्राप्ति का आपका योग है। मिथुन और कर्क राशि का भी योग बहुत ही अच्छा है। ये राशियां भी विशेष ही भाग्यशाली और लकी रहने वाली हैं। इनके भी अच्छे खासे योग हैं। हर प्रकार का कार्य बनना शुरू हो जाएगा। जिन कार्यों में अड़चने आ रही थी वह अड़चने रुकावटें दूर होंगी। साथ ही विद्यार्थियों को भी विद्या क्षेत्र में लाभ मिलेगा। अगर आपका कोई कार्य पेंडिंग पड़ा है या शादी में अड़चने आ रही हैं तो वह परेशानी भी आपकी रुकावटें भी अब दूर होंगी। प्रतिदिन माता दुर्गा की आराधना करें। उनके सामने आप घी का दीपक जलाएं। साथ ही आप ओम एम रीम क्रीम चामुंडा विच्चे नमः इस मंत्र का भी जाप करें। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा के माँ सेवादात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते या देवी सर्वभूति सुशक्ति रूपण संस्था नमतसे 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 नमोनमः। इन मंत्रों का आप माता के सामने जाप करेंगे तो आपके प्रत्येक कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। वैसे आप तक नवरात्रि की काफ़ी वीडियो पहुँचेंगी। कई वीडियो डालूंगा मैं, उपायन की भी डालूंगा। हर प्रकार के उपायन की और शुभ मुहूर्त की वीडियो भी आप तक पहुँचेगी। जो भी चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएँ। वही कर्क राशि और सिंह राशि का योग भी बेहद ही शुभ है। इनको भी हर प्रकार का लाभ मिलेगा। संतान धन प्राप्ति के योग इनके हैं। साथ ही माता दुर्गा की कृपा से इनके परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। माता पिता का भी सहयोग मिलेगा, मित्रों का भी इनको सहयोग मिलेगा। कन्या राशि और तुला राशि का योग भी बहुत ही अच्छा है। हालांकि तुला राशि का योग थोड़ा सा कम है लेकिन योग इनका भी अच्छा है। इनके भी सारे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। प्रमोशन होगा, इन राशि वालों का प्रमोशन होगा और आप अपना व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। साथ ही पुत्र धन प्राप्ति के लिए भी आपका योग अच्छा है, आप टेंशन नहीं लेनी है। वृश्चिक मकर और कुंभ ये राशियां भी बेहद ही शुभ हैं। हालांकि धनुराशि मकर राशि और मीन राशि ये तीन राशि ऐसी हैं जिनको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा क्योंकि गुरु नीच राशि की चल रहे हैं। तो कहीं भी इन्वेस्ट आपको नहीं करना है, पैसा आपको किसी को नहीं देना है, कर्ज आपको नहीं लेना है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो घर वालों की सहमति से ही आपको कार्य करना है। भगवान विष्णु की कृपा से और माता दुर्गा की कृपा से आपके सभी कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी नवरात्रों की जानकारियाँ और मुझे उम्मीद है आपको शरदीय नवरात्रों की जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को आप शेयर करें और भक्ति भाव के साथ में माता दुर्गा की आराधना करें। माता दुर्गा आप सभी के कार्य सिद्ध करेंगे। और ये नौ राशियां बहुत ही भाग्यशाली थी जिनकी जानकारी मैंने आपको दी है। तो 7 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं और 14 तारीख की महानवमी रहेगी। जय माता दी।